हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास तक में। आज हम लोग उसी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चार या पांच न्यूमेरिकल्स हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने आपको जो लेवल होता है आपके न्यूमेरिकल्स का, वो हम लोग इसमें सारे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता देते हैं जो लिमिट स्टेट मेथड में लास्ट क्लास तक में छूट गया था। उसके बाद आपको फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड की जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग को पता है कि इसमें हम लोगों का एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आपका कॉन्क्रीट के लिए आपका 1.5 था और स्टील के लिए आपका 1.15 था। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करना है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको होगा लोड के लिए। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा लोड के लिए, ये वैल्यू होगा आपको 1.5 का, जो आप लोड में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपको लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि जब भी आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो आप टोटल लोड कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो पढ़ा होगा IS875 पार्ट टू में और पार्ट वन में, कि आपका ये एक स्लैब है, इसके ऊपर आपको टोटल 2 kN/m² का डेड लोड आ रहा है और 3 kN/m² का आपको लाइव लोड आ रहा है। तो टोटल लोड इसके ऊपर हो गया 5 kN/m². इसको आप अगर पर मीटर में कन्वर्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल ये आपको आ गया 10 kN/m, इसका आपको एक यूडीएल मिल गया और आप इसको एक सिंपल इस तरह से बीम समझ करके इसके ऊपर आप यूडीएल लगा लिए 10 kN/m का। अब ये इस पूरे स्लैब को जब हम डिजाइन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर का स्ट्रिप कंसिडर करके डिजाइन करते हैं। तो इसमें आपको ये टोटल लोड जो है वो एग्जांपल के लिए 5 का जो है वो 10 kN/m हो गया। अब ये जो लोड आया है 10 kN/m, ये किसके वजह से आया है, ये आपको डेड लोड 2 kN और लाइव लोड 3 kN के लिए आया है। अब आपको IS 456 कहता है कि लिमिट स्टेट मेथड से जब आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आपका जो ये लोड है, ये लोड कहलाएगा आपका वर्किंग लोड। मतलब ये आपका एक्चुअल लोड है जो आपको उसके ऊपर वर्क करेगा। बट आपको क्या करना है, आपको इस लोड को भी सेफर साइड लेना, मतलब आपको इंक्रीज करके लेना है कि अगर इनकेस ये लोड नहीं होकर के लोड इंक्रीज हो गया, तो भी उसके लिए वो आपका सेफ डिजाइन रहेगा। पहले एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कॉन्क्रीट और स्टील के लिए लेके चल रहे हैं, वो तो इनके वर्किंग के लिए लेके चल रहे हैं कि आपको कॉन्क्रीट अगर पुअर क्वालिटी का हो गया या फिर आपका स्टील जो है अगर आपका पुअर क्वालिटी का हो गया, तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको इंक्रीज किया हुआ है, ये उसको कंपनसेट कर लेगा। लेकिन अगर आपके लोड सडनली इंक्रीज कर गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको वो अगर बहुत, जैसे आपको 10 दिन के लिए वो लोड उसके ऊपर आ गया, तो वो एक लॉन्ग टाइम कंसिडर होता है। तो अगर वैसा हो गया तो उसके लिए भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है। तो जब आप इस वर्किंग लोड को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, तो ये बन जाता है आपका अल्टीमेट लोड। तो जब भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में बात करेंगे, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें जहां पे भी आपको लोड दिखाई देगा, अगर वो आपको अल्टीमेट लिखा हुआ है, अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट मोमेंट, क्योंकि लोड आएगा तो उसके बाद मोमेंट आता है लोड से, तो या तो अल्टीमेट लोड है और मोमेंट आया तो अल्टीमेट मोमेंट होगा, या वर्किंग लोड है मोमेंट आया तो वर्किंग मोमेंट होगा। तो आपको दो टर्म दिखाई देगा, वर्किंग मोमेंट और अल्टीमेट मोमेंट। ये हो गया मोमेंट का बात, और लोड की जब बात करेंगे तो वर्किंग लोड और आपको अल्टीमेट लोड, मतलब अल्टीमेट और वर्किंग का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। जब अल्टीमेट की बात हो रही है तो मतलब है कि आपका जो वर्किंग लोड था वो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टाइम्स है, और जब वर्किंग लोड दिया हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले इस वर्किंग लोड को आपको अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्किंग को अल्टीमेट में करने के लिए आप क्या करेंगे कि वर्किंग अल्टीमेट इज इक्वल टू 1.5 इनटू वर्किंग लोड। ठीक है, तो ये 1.5 आपका क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया लोड्स के लिए। ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग लोड्स और मोमेंट्स की जब बात करेंगे, तो उसमें हम लोग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे कि अल्टीमेट लिखा है या वर्किंग लिखा है। अगर वर्किंग लिखा है तो हम लोग उसको अल्टीमेट में कंसिडर, मतलब उसको कैलकुलेट करके चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड का सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपको बताए थे कि आपको या तो अंडर रेनफोर्स डिजाइन करते हैं या फिर आप बैलेंस डिजाइन करते हैं, ओवर रेनफोर्स आप डिजाइन नहीं करते हैं। तो जब हम लोग अंडर रेनफोर्स डिजाइन करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग कॉम्प्रेशन की तरफ से लेते हैं तो 0.36 FCK B XU, और जब हम लोग सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन की तरफ से लेते हैं तो ये हो जाता है 0.87 FY AST।
तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये आपका अंडर रेनफोर्स होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब जब हम लोगों का ये जो XU है ये कब होता है अंडर रेनफोर्स, मतलब जब XU इज लेस देन XU लिमिट। अब हम लोगों का जब ये XU जो है वो इक्वल टू XU लिमिट आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो जब आप बैलेंस की बात करते हैं तो मतलब XU इज इक्वल टू XU लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेम हम लोगों को जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग जब टेंशन की तरफ से निकालते हैं तो 0.87 FY और ये हो जाता है AST लिमिट। और जब हम लोग कॉम्प्रेशन की तरफ से बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे हैं, ये बस इसमें सारी चीजें जो है ये लिमिट में चेंज हो जाती है। मतलब इसमें XU लिमिट हो गया, इसमें AST लिमिट हो गया। तो मतलब है कि आपको अंडर रेनफोर्स और बैलेंस जब आप इन दोनों की बात कर रहे हैं तो जो आपका आप कॉम्प्रेशन की तरफ से जो मूवमेंट निकालिएगा सेम आपको टेंशन की तरफ से भी आएगा, तभी तो हम लोग C = T की बात कर रहे हैं, है ना। सेम इसमें वही हो रहा है, C = T हो रहा है। तो मतलब है कि आप इससे भी निकालेंगे तो वैल्यू अगर 400 किलोन्यूटन मीटर आ रहा है तो इससे भी निकालेंगे तो 400 किलोन्यूटन मीटर ही आएगा। लेकिन जब आप ओवर रेनफोर्स की बात करेंगे तो ओवर रेनफोर्स क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को डिजाइन नहीं करना है, तो अगर आपको इनकेस ओवर रेनफोर्स के लिए सिर्फ चेक करना है तो इसमें आप टेंशन की तरफ से नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे सिर्फ कॉम्प्रेशन की तरफ से। तो आप यूज करेंगे 0.36 FCKBXU लिमिट। मतलब है कि आपको बैलेंस के लिए तो आपको ये दोनों फॉर्मूला है, मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं और आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे थे तो आपको अगर कहा जाए कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए तो आपने फॉर एग्जांपल अगर XU और XU लिमिट चेक नहीं किया, ये वाला चीज अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आपको अभी ये नहीं पता है कि अंडर रेनफोर्स हो रहा है, बैलेंस हो रहा है या ओवर रेनफोर्स हो रहा है। तो इस केस में अगर आपको कहा जाए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए और फॉर एग्जांपल आप ये XU और XU लिमिट वाला स्टेप जो है ये स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली आप अपना ये फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूला में भी पुट करेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उनको मिल जाएगा, तो दोनों को दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ जो आपने चेक नहीं किया और ऐसा हो गया कि अगर आपका XU ग्रेटर देन XU लिमिट आ रहा था जो आप चेक नहीं कर सके या चेक करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आपको अगर ये ओवर रेनफोर्स हो गया क्योंकि XU ग्रेटर देन XU लिमिट है तो आपका ये आ गया ओवर रेनफोर्स में और आपने क्या किया फॉर्मूला आपको याद रहा सिर्फ ये वाला 0.87 FYAST, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब क्यों रॉन्ग होगा ये समझिए, हम लोग ओवर रेनफोर्स जब डिस्कस करते थे तो क्या बताए थे कि ओवर रेनफोर्स का मतलब है कि रेनफोर्समेंट जो है ये आपको अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएगा लेकिन कंक्रीट आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंच करके ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपका रेनफोर्समेंट एज इट इज रह जाएगा लेकिन आपका जो ये आपका टोटल बीम चल रहा था इसमें जो आपका ये कॉन्क्रीट पूरा बना हुआ था ये पूरा कॉन्क्रीट आपका झड़ जाएगा, ये गिर जाएगा, लेकिन ये आपका स्टील जो है ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कंक्रीट का जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस था ये आपका 0.446 FCK ये इसको रीच कर गया बट रेनफोर्समेंट जो है ये 0.87 FY स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया गया है कि जब लोड आ रहा था तो कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ डिफ्लेक्ट होना चाहिए, दोनों का स्ट्रेस लेवल एक साथ आना चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेस, बट वो नहीं आकर के कंक्रीट में पहले आ गया। तो जैसे ही कंक्रीट में 0.446 FCK पहुंच गया ये कंक्रीट ब्रेक कर गया, हो सकता है उस समय आपको 0.7 FY ही स्ट्रेस पहुंचा हो या 0.75 तक ही पहुंचा हो, 0.87 से कुछ कम हो। तो अगर ऐसा ही होता है ओवर रेनफोर्स के केस में यही होता है कि जब कंक्रीट फेल हो गया स्टील नहीं फेल हुआ इसका मतलब स्टील में 0.87 FY नहीं है, जब स्टील में 0.87 FY नहीं पहुंचा है स्ट्रेस कुछ 0.7 रह गया है तो आप ये 0.87 FY वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकेंगे, क्योंकि ये 0.87 FY तब निकाल रहे हैं आप जब आप कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेस लेवल एक साथ रीच कर रहा है, वही तो नहीं हो रहा ओवर रेनफोर्स में। तो जब वो नहीं हो रहा है तो हम ये टेंशन वाला फॉर्मूला जो है ये यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा स्ट्रेस जो है 0.87 FY जो सिग्मा है हमारा और ये एरिया है पी निकालने के लिए सिग्मा इंटू एरिया करते हैं, ये सिग्मा ही हम लोगों को नहीं पता है कितना है, ये 0.87 नहीं है तो कितना है ये वैल्यू नहीं पता, जब ये वैल्यू नहीं पता तो आप इससे आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको जब ओवर रेनफोर्स की बात होगी तो उसमें आपको सिर्फ कॉम्प्रेशन वाला फॉर्मूला से ही मोमेंट निकालना है, बाकी में तो आप दोनों में से किसी से भी निकाल लेंगे वो राइट रहेगा इस वाले में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि उसने एक चेक दिया आपको कैच दिया था कि XU ग्रेटर देन XU लिमिट दिया था, तो जब XU ग्रेटर देन XU लिमिट दिया था तो उसको पता है कि ओवर रेनफोर्स में अगर इस वाले फॉर्मूला से वो निकालेगा तो करेक्ट हो जाएगा,
लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स इससे निकाल लेंगे और कुछ स्टूडेंट्स अगर इससे निकाल लेंगे, तो जो इससे निकालेंगे उसको इस कॉन्सेप्ट का मार्क्स काट लिया जाएगा कि उसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया या उसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्योंकि उसका आंसर भी अलग आएगा आपके हिसाब से। उसका आंसर जैसे इसमें 400 किलो न्यूटन मीटर आ रहा था, आप क्या किया, आप इससे भी 400 किलो न्यूटन मीटर ही निकाल दिए, क्योंकि दोनों से आपको, क्योंकि आप जानते हैं दोनों इक्वल होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट है, तो ये 400 तो है नहीं, ये कुछ आपको 306 ही हो सकता है, 310 हो सकता है, तो आप इसको निकाल दिए 400, इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने कहा गया है, अगर आपका एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट आ रहा है, तो वैसे केसेस में आप जो बैलेंस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, जो हम लोग बोले थे कि जब एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट आ रहा है तो आपको एक्स यू लिमिट तक ही इसको स्ट्रिक्ट कर देना है, तो जब एक्स यू लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर देना है तो उस केस में आपको सिर्फ कॉम्प्रेशन वाला जो आपका फॉर्मूला है सिर्फ आपको वो यूज करना है, 0.36 एफसी के बी एक्स यू। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। अब क्वेश्चन नंबर वन देखिए, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम सेक्शन ऑफ साइज 250 mm बाय 400 mm रेनफोर्स्ड विद 320 mm डायमीटर बार्स ऑफ एफई 250 स्टील एंड M20 कंक्रीट। द नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट इज 40 mm। अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो हम लोग आपके लेवल के हिसाब से ही अब इस बार सेट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग स्टील में और हाईवे में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बट आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक एवरेज लेवल का आता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंपल रखते हुए ही हम लोग सारी चीज़ों को आपको समझा दें। तो अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको निकालने कह रहा है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आपको यह समझ में आ गया कि आपको एक्सयू फाइंड आउट करना है, इफेक्ट आपको क्रिटिकल डेप्थ या फिर आपको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं कह रहा है, क्योंकि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो आपको सीधा डायरेक्टली फॉर्मुला में पुट करेंगे और आपको एक्चुअल लिमिट मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने, तो एक्सयू फाइंड आउट करना है। गिवन कंडीशंस क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशंस लिखेंगे। बीम का साइज दिया हुआ है 250 mm बाय 400 mm, तो b इज इक्वल टू 250 mm, और ये जो d दिया है ये बीम का साइज दिया है। बीम का जो साइज दिया है इसका मतलब है कि ये आपको ओवरऑल डेप्थ दिया है। जब भी हम लोग बीम की साइज की बात करेंगे, जब बीम का साइज क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये आपको b है और ये टोटल का आपको बात कर रहा है वो d। ठीक है, तो ये d है आपका, d इज इक्वल टू 400 mm, और ये जो b है आपका, ये है आपका 250 mm। अब ये कह रहा है कि इसमें रेनफोर्स विद 320 mm बार्स है, इसका मतलब है कि ये सब हम लोग अभी सिंगली रेनफोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि बॉटम में आपको इस तरह से तीन बार्स हैं जो 20 mm डायमीटर के हैं। इसको इस तरह से हम लोग मार्किंग करते हैं, अगर इसके प्रॉपर मार्किंग की बात करें कि जैसा आपके ड्राइंग्स में भी जो मार्क किया रहता है वो या तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क किया रहेगा, और ये कंबाइंड करके ये यहाँ लिखा रहेगा 325, या कई जगह पे आप देखेंगे 320 हैश इस तरह से दिया जाता है। तो ये हैश और ये जो फाई है ये आपको डायमीटर का सिंबल होता है, कि ये डायमीटर है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बार्स यूज कर रहे हैं 12 का, तो आपको इसमें से ये डायमीटर है ये डायमीटर है ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए किसी एक के साथ एक सिंबल देना जरूरी है। तो या तो हम लोग यहाँ पे फाई देते हैं या तो हम लोग यहाँ पे हैश देते हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये 12 है ये डायमीटर है और 10 जो है ये नंबर ऑफ बार्स है। अभी तो क्योंकि ये 1, 2, 3 है तो इसलिए आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला ही डायमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इस तरह से 10, 12 दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि 10 इसमें से डाया है या 12 इसमें से डाया है। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि 320 mm के बार्स दिए हुए हैं, ये आपको हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये एफ ई 250 स्टील है और आपका ग्रेड जो है वो M20 है, तो इसका मतलब है कि एफ ई जो है ये आपका 250 है और M20 है। इसमें आपको डायमीटर है मतलब एरिया ऑफ स्टील अगर हम लोग निकाल लें डायरेक्टली, तो एच टी हो जाएगा 3 × π/4 × 20² तो इससे आपको पूरा एच टी मिल जाएगा कि यहाँ पे कितना हो रहा है। उसके बाद आपको कह रहा है नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट इज 40 mm। अब नॉमिनल कवर हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार फिर से भी समझ लीजिए कि ये आपका बीम है, अगर हम इस बीम में अभी आपका एक इस तरह से स्टीरअप्स भी चलता है जिसको आप जाली कहते होंगे नॉर्मल टर्म में, तो आईएस कोड कहता है IS 456 कि नॉमिनल कवर जो होता है वो इस वाले जाली के जो आउटर वाला लाइन है मतलब ये वाले लाइन से लेकर के कंक्रीट के यहां तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल कवर, ये IS 456 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको ऐड करना पड़ता है पहले ये स्टीरअप, क्योंकि आप सही से देखिए तो क्या हो रहा है कि आपका ये एक बार बना हुआ है। ठीक है, ये तीन बार आपके इस तरह से लगे हुए हैं,
और ये तीनों का जो डायमीटर है इस सर्किल को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 20 mm का ये डायमीटर है। और आप एग्जांपल के लिए सोचिए कि 10 mm का आपका एक स्टीरअप अगर जा रहा है तो ये 20 है तो इसका हाफ कुछ इतना पतला आपको रिइंफोर्समेंट होगा जो इस तरह से आपको जाली बना रहा है, ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 20 mm है, ये 10 mm है अगर ये गिवन कंडीशन है। इसके बाद आपका यहाँ पे इस तरह से कंक्रीट आता है जो इसको इस तरह से क्लोज कर देता है। तो ये जो नॉमिनल कवर है वो इस वाले जाली वाले बार के नीचे से आपको 40 mm होता है। बट क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्टीरअप्स का डिस्कशन अभी नहीं हो रहा है तो इसमें आप कंसिडर कर लेंगे कि इस बार का जो बॉटम है यहां तक का आपको 40 mm गिवन है। एक्चुअल केस में ये नहीं होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी नॉमिनल कवर की बात होगी, नॉमिनल कवर तो ये आपको जितने भी रिइंफोर्समेंट आ रहे हैं पूरे बीम में उसका जो सबसे लोएस्ट पोर्शन होगा बॉटम, वहां से आपको कंक्रीट का जो एक्सट्रीम एज होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपको नॉमिनल कवर। तो अगर आपको एग्जांपल के लिए कह दिया जाए कि इसमें 10 mm का ये 10 फाई का ये स्टीरअप लगा हुआ है और 20 mm का बार है, अब बताइए आपका इफेक्टिव कवर कितना होगा। तो आप करेंगे 40 प्लस आपका ये 10 कंप्लीट जुड़ जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक में ये 10 पूरा आता है और प्लस आपको ये 20 का हाफ आ जाएगा तो 20/2 हो जाएगा। तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा 60 mm। बट क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये स्टीरअप का आपको डायमीटर नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम नहीं करेंगे, आप अभी सिर्फ जो कह रहा है क्वेश्चन में सिर्फ उसी हिसाब से निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस बार को इग्नोर कर देंगे। जब आप इसको इग्नोर कर देंगे तो अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस रह गया, ये जो बार जहां पे एंड हो रहा है तो ये आपका 40 है, इसमें हाफ ऑफ द डायमीटर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका इफेक्टिव कवर जो हो जाएगा, इफेक्टिव कवर तो ये आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली, नॉमिनल कवर 40 प्लस 5/2 तभी पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है इसमें। तो यहां आप लिखेंगे 20/2 तो ये हो जाएगा आपका 50 mm। अब आपको इफेक्टिव कवर भी मिल गया, अब गिवन कंडीशन में से आप सारे चीज यहाँ पे उतार चुके हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि ये अंडर रेनफोर्स है या बैलेंस है या ओवर रेनफोर्स है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक्सयू लिमिट निकालेंगे। तो आप अगर एक्सयू लिमिट निकाल लेंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा जब आप एक्सयू निकालेंगे, क्योंकि आपको एक्सयू निकालना ही बोल रहा है। तो उसके लिए पहले आप एक्सयू लिमिट निकाल लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्सयू लिमिट इतना आ रहा है। जैसे ही आपका एक्सयू आएगा आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे कि ये कितना है। आप चाहे तो इसको नहीं भी निकाल सकते हैं अभी, आप पहले एक्सयू का फॉर्मूला पुट करेंगे एज्यूम करते हुए कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है। तो अंडर रेनफोर्स्ड के लिए आपको एक्सयू का फॉर्मूला पता है, आप उसको निकालिए फिर आप एक्सयू लिमिट निकालिए, एक्सयू लिमिट से उसको चेक कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी स्टेप हम लोग पहले कर सकते हैं, हम लोग अभी एक्सयू लिमिट ही पहले कर लेते हैं। तो एक्सयू लिमिट के लिए आपको फॉर्मूला था के इंटू डी। अब के क्योंकि आपको Fe250 हम लोग यूज कर रहे हैं तो के का वैल्यू आपको कोड से भी पता है, या नहीं तो आप डायरेक्टली 700 डिवाइडेड बाई 0.87 FY प्लस 1100, यही फॉर्मूला था के का। इसमें आप FY का वैल्यू 250 पुट करेंगे तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको आ जाएगा 0.53। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से के इंटू डी लिख करके 0.53 इंटू, अब आपका आया इफेक्टिव डेप्थ। अब आपका कवर मिल चुका है आपको 50 mm, टोटल आपको डेप्थ पता है यहाँ पे डी इज इक्वल टू 400 mm है। तो यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपको निकालना था इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ यहाँ निकाल लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू टोटल डेप्थ 400 माइनस कवर है आपका 50 mm, तो ये आपको टोटल आ गया इफेक्टिव डेप्थ 350 mm। अब इस पे ही हम लोग सारा कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा स्मॉल डी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे इफेक्टिव डेप्थ कॉमा स्मॉल डी। अब हम लोगों को स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग यहाँ 350 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका सॉल्व होकर के कुछ आ जाएगा 185.6 mm। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये वाला वैल्यू कि 0.53 इंटू 350 कितना आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सयू लिमिट का वैल्यू। अब आपको अभी ये नहीं पता है कि एक्सयू कितना है, तो अभी हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों का एक्सयू जो है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट। अब अभी एजम्पशन राइट है या रॉन्ग ये भी पता चल जाएगा सॉल्व करने के साथ ही। तो एक्सयू जब इज लेस देन एक्सयू लिमिट है तो एक्सयू का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में कि आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा और उसका सॉल्यूशन भी लिखना होगा। आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला ही मतलब सिर्फ जैसे अब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लिखते और डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू हम ये वाला वैल्यू सिर्फ लिख देते
तो हालांकि वो भी राइट होगा, बट अगर आपको एकदम श्योर होना है कि आपका मार्क्स हाफ मार्क्स भी इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पर कट नहीं हो, तो जो वैल्यू आप उस फॉर्मूला वाला लिख रहे हैं आप उस फॉर्मूला को भी यहाँ लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अभी अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, गिवन कंडीशंस यहाँ तक लिखे हुए थे, इसके बाद हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू किए, पहले एएसटी कैलकुलेट किए, फिर इफेक्टिव कवर निकाले, फिर इफेक्टिव डेप्थ निकाले, फिर एक्चुअल लिमिट का फॉर्मूला भी लिखे K into D, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू भी लिख दिए। अब जब हम लोग डायरेक्टली इसको अगर आईएस कोड से उठाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम IS 456 2000, और उसका हम लोगों को क्लॉज नंबर या पेज नंबर जो भी आपको याद हो वो आपको देना पड़ेगा, या नहीं तो अगर नहीं भी याद हो तो ये इतना भी चल सकता है कि फ्रॉम IS 456 2000, या नहीं तो अगर आप इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो आपको यही ब्रैकेट में ये वाला फॉर्मूला लिख करके यहाँ पे निकालना होगा K = 0.53, और फिर आपको यहाँ पे यूज करना होगा। एग्जामिनर ये कंसिडर करके चलेगा कि उसको कुछ नहीं आता है एग्जामिनर को, और वो आपके कॉपी से सारे आंसर्स को समझने की कोशिश करेगा, हमेशा डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में यही होता आया है। तो वो जब आपके कॉपी से आंसर को समझने की कोशिश करेगा तो वो जानना चाहेगा कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, तो सारे ही इन्फॉर्मेशन का आपको रेफरेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे आप इसको अभी आप कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके राइट हैंड साइड में स्पेस बचा हुआ होगा, तो उसमें आपको ये इस तरह से ब्रैकेट बना करके जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा मार्क्स आएगा। मेहनत का चीज है, बट ये अगर आप कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको एक तो ये फॉर्मूला भी याद होने में आसान हो जाएगा और आपको सॉल्व करने का भी आपका एक फ्लो बनेगा। तो अगर ये 4 मार्क्स का नंबर करें तो पूरा 4 मार्क्स आपको इसमें आ सकता है, या नहीं तो हो सकता है कि अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखें तो चांसेस है कि आप एग्जामिनर के ऊपर है कि कौन सा एग्जामिनर किस तरह से चेक करता है, वो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स इसमें डिडक्ट कर ले कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 0.87, FY है आपका 250, AST आप निकाल चुके थे, अच्छा AST हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए थे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर में, ये आ रहा है 942.5 mm², तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 942.5 डिवाइडेड बाई 0.36, FCK आपको पता है 20, अब B आपको पता है 250। अब इसमें भी एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनिट्स आपका क्या क्या रहेगा। 0.87 न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप FY का यूनिट आपको पता है, इसको इस तरह समझ लिखते हैं, अभी यहाँ छोटा सा एक यूनिट समझ लिखते हैं, ये यूनिटलेस है, ये आपको न्यूटन, और नीचे आपका आ जाएगा पर mm², ये FY के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। AST ये मल्टीप्लाइड बाई AST होगा, AST क्या है आपका mm², तो ये आपका न्यूमिनेटर में था सारा, ये पहले ही आपका कट गया, तो न्यूमिनेटर में आपका क्या बच गया सिर्फ न्यूटन, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, FCK आपका न्यूटन पर mm² में था, और बी आपको क्या था mm में था, तो इसमें जब आप ये इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर mm, इसका मतलब ये न्यूटन पर mm का मतलब है mm ऊपर आ जाएगा, तो जब आप इसको न्यूटन और न्यूटन कट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा सिर्फ mm, तो आपको XU किस में आने वाला है mm में आने वाला है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो सारे का स्टैंडर्ड हम लोग ऐसा यूनिट्स लें, मतलब हम लोग सारे ही अगर इसमें लोड भी गिवन रहता तो हम लोग न्यूटन में बात करेंगे, किलो न्यूटन में नहीं बात करेंगे, और जो भी डिस्टेंसेस दिया रहेगा वो mm में बात करेंगे, एरिया गिवन है तो mm² में बात करेंगे। तो मतलब हम लोग जब न्यूटन और mm में ही सारी बातें करेंगे तो जो भी फोर्सेस आएंगे वो न्यूटन में आएंगे, जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो mm में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपको इसका यूनिट mm आने वाला है, बट अगर आप सारी चीजें mm में ही लेंगे और न्यूटन में लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये यूनिट समझने का तरीका है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 113.26 mm. अब XU आ रहा है आपका 113.26, XU लिमिट था आपको 185.5 mm, तो इसका मतलब है कि therefore XU is less than XU limit, therefore assumption is correct, क्योंकि आपने एक assumption लिया था कि ये इससे लेस होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो जब ये assuming लिखे थे तो इसको लिखना भी पड़ेगा कि assumption is correct, तो therefore आपका ये आंसर जो है ये तो आपका पहले ही आ चुका है, या नहीं तो आप चाहे एक लाइन और नीचे लिख देंगे कि therefore depth of neutral axis is 113.26 mm, अगर वो इससे ग्रेटर आता 185.5 से तो इससे कहाँ निकाले थे हम लोग यहाँ, तो 185.5 से अगर ग्रेटर आता तो फिर आपको यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ता कि therefore depth of neutral axis XU is 185.5, क्योंकि
हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में अभी ये नहीं पूछा था कि आपको अंडर रेनफोर्सिंग डिजाइन करना है, तो उस केस में अगर उससे ज्यादा आता तो आप उससे ज्यादा लिखते, बट आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता, वो फिर उस केस में आपको एक्सयू लिमिट निकालना हो जाता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका ये है आपका एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला सिर्फ ये है, बस इसको लिखने के लिए आपको ये कंप्लीट अप्रोच देना पड़ेगा। अगर आप ये कंप्लीट अप्रोच नहीं देंगे तो आंसर आपका डायरेक्टली एक्सयू निकालने से भी राइट होगा, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव की तरह सिर्फ एक या दो मार्क्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको क्योंकि ये न्यूमेरिकल होगा तो आपको गिवन कंडीशन हमेशा याद रखना है कि गिवन कंडीशन सारे ही न्यूमेरिकल में आपको हमेशा लिखना है, इसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप गिवन कंडीशन लिख देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स कम से कम तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, तो इसलिए आपको ये एक प्रॉपर स्टेप होता है सॉल्व करने का। अब हम लोग इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर टू देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द लीवर आर्म फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 mm बाय 450 mm विद 50 mm इफेक्टिव कवर रेनफोर्स्ड विद 420 mm डाया बार्स ऑफ Fe415 एंड कंक्रीट ग्रेड इज M25। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लीवर आर्म निकालने के लिए। लीवर आर्म हम लोग डिस्कस किए थे कि लीवर आर्म को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें प्रॉपर तरीके से तो सबसे पहले आपको गिवन कंडीशंस लिखने हैं। गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस आपको साइज है बीम का, तो साइज ऑफ बीम भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से, साइज ऑफ बीम इज इक्वल टू 300 बाई 450 mm। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा कि ये आपका स्मॉल बी है, ये आपका कैपिटल डी है। उसके बाद आपका इफेक्टिव कवर इस बार आपको दिया हुआ है, नॉमिनल कवर नहीं दिया हुआ है, तो इफेक्टिव कवर को हम लोग डी सी से डिनोट करते हैं, तो ये आपको गिवन है 50 mm। तो यहीं पे हम लोग अपना इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि आगे हम लोगों को काम आता ही है, तो इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो ये आपको कैपिटल डी माइनस डी सी होता है, तो ये आपको 450 माइनस 50 mm होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ 400 mm। ठीक है, एक सॉल्यूशन हम लोगों का यही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बार्स दिए हुए हैं आपको 420 mm, फाइव के आपको बार्स दिए हुए हैं, तो एएसटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो एएसटी हो जाएगा 4 × π/4 × 20² तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 256.64 mm². ये भी एक कंडीशन, आपका एएसटी भी निकल गया, यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेप्थ डी भी निकल गया। ये दो चीज जो है ये आप यहीं पे गिवन कंडीशन के साथ साथ ही आप डिटरमाइन कर लिए। अब आपको गिवन है कि Fe415 है और FCK आपका 20 है, ठीक है, मतलब 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर और FCK 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। अब आपको कह रहा है लीवर आर्म फाइंड आउट करने, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। लीवर आर्म इस तरह से आपको लिखना है, लीवर आर्म कॉमा जेड, लीवर आर्म को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ये हम लोग लास्ट वाले क्लास में पढ़े थे कि डी माइनस 0.42 XU होता है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ये स्ट्रेस डायग्राम जब बना लेते इस तरह से, तो इसमें आपका ये आपका 0.87 FY, ये आपको T था और C ये बना आपको C था, तो ये जो C और T था, तो C का जो डिस्टेंस टॉप से था ये 0.42 XU हम लोग निकाले थे, तो इसका मतलब है कि ये लीवर आर्म होता है ये Z, तो ये कितना आ जाएगा, ये इफेक्टिव डेप्थ होता है ऊपर टॉप से लेकर के स्टील के यहाँ तक, तो D माइनस 0.42 XU, यही हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे, इसको ही आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। अब जब आपको Z निकालना है तो D माइनस 0.42 XU करना है, D आपको पता है, XU सिर्फ आपको निकालना है। अब आपको ये नहीं पता है कि ये अंडर इन्फोर्स्ड होगा या ओवर इन्फोर्स्ड होगा, तो मतलब आपको अगर अंडर इन्फोर्स्ड होगा तो आप यूज करेंगे XU, अगर आपका बैलेंस होगा तो आप यूज करेंगे XU लिमिट, और अगर आपका ओवर इन्फोर्स्ड भी होगा तो भी आप यूज करेंगे XU लिमिट। तो आपको अब दोनों चीज निकालना होगा, पहले आप निकाल लेंगे XU ताकि आपको पता चले कि फिर उसके बाद आप XU लिमिट निकाल लेंगे, तो XU निकालने के लिए 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B, तो इसमें आप पुट कर देंगे 0.87 FY है 415 AST है 1256.64 डिवाइडेड बाई 0.36 FCK है 25 और B है आपका 300। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका XU आ जाएगा 167.11 mm। अब ये आया आपका XU। अब आपको ये नहीं पता है कि XU लिमिट आपका कितना आ रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लोग स्मॉल डी इज इक्वल टू 400 mm, ये हम लोगों का ऐसा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को XU पता चल गया, अब हम लोगों को क्या निकालना है, XU लिमिट। तो XU लिमिट क्या होता है, K इंटू डी, अब K आपका Fe415 है। ये सारी चीजों को आप हमेशा अंडरलाइन कर लेंगे अगर आप अपने कॉपी में, तो आपको आसान होगा समझने में कि आपको क्या क्या चीजें ऑब्टेन करनी है। तो आपको एक्चुअल लिमिट है K इंटू डी, K आपका Fe415 के लिए कितना होता है 0.48,
चाहे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यानी तो वैल्यू याद है तो और इजी हो जाएगा आपको। तो इसमें आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 192 mm। तो देयरफॉर XU इज लेस देन XU लिमिट, क्योंकि XU है आपका 167, XU लिमिट है 192, तो देयरफॉर अंडर रेनफोर्स्ड। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब XU लेस देन XU लिमिट है तो मतलब अंडर रेनफोर्स्ड है। तो इस केसेस में अब आपका लीवर आर्म Z क्या हो जाएगा, डी माइनस, तो आप यहां लिखते हैं डी माइनस 0.42 XU, तो डी है आपका 400 माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ 167.11 mm। तो ये टोटल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका लीवर आर्म निकल के आ जाएगा 330.48 mm। ये है आपका वो फाइनल आंसर जिसका आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डिटरमाइन द लीवर आर्म फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम। तो ये है आपका लीवर आर्म। अगर ये आपका एक्सीड कर जाता, एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट हो जाता, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता कि सिंस ओवर रेनफोर्स्ड, देयर फॉर यहाँ पे आप लिखते एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिट, और फिर आप यहाँ पे प्रोसीड करते तो ये फॉर्मूला आपको बदल के हो जाता डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट, और फिर आपको यहाँ पे एक्सयू लिमिट का वैल्यू पुट करना पड़ता और फिर आपका लीवर आर्म निकलता। सिर्फ इतना सा चेंज होगा, अगर आपका ये एक्सयू और एक्सयू लिमिट यहाँ तक का वैल्यू जो है यहाँ तक का, तो आपको कोई सा भी बीम होगा, ओवर एनफोर्स हो या अंडर एनफोर्स हो, आपको यहाँ तक तो कैलकुलेट करना ही है। ये सारे केसेस में होगा, यहाँ आके आपको पता चलता है कि ये ओवर एनफोर्स है कि बैलेंस है या अंडर एनफोर्स है। उसके हिसाब से आप या तो डी माइनस 0.42 एक्सयू लेंगे या नहीं तो डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट लेंगे। अब ये दो तीनों कब लेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है कि अगर अंडर एनफोर्स है तो एक्सयू लेंगे, बैलेंस है तो एक्सयू लिमिट लेंगे, और अगर ओवर एनफोर्स है तो भी हम लोग एक्सयू लिमिट वाला ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ओवर एनफोर्स डिजाइन ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर जो है, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में आपको इस तरह से कंडीशन दे दें कि आपका जो आपका एक्सयू लिमिट आ रहा है वो एक्चुअल लिमिट आपका इससे कम आ जाएगा। तो जब इससे कम आ जाएगा तो ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ लिखे थे जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू, ये हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करके लिखे थे कि एज्यूमिंग एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट, तब जाकर के हम लोगों का ये जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्सयू हुआ। अब ये यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि एक्सयू इज लेस देन नहीं है, एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट है। तो हम लोगों का ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे फिर से लिखना है, और इस बार ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सयू लिमिट के साथ, और वो वाला पुट करेंगे वो आंसर आ जाएगा। यही सारा चेंजेस आपको कर सकता है वो एग्जाम में, या तो लीवर आर्म निकाला देगा तो अंडर एनफोर्स के लिए आप कैलकुलेट किए क्लास में, आपको एग्जाम में हो सकता है ओवर एनफोर्स के लिए देते, उसी तरह आपको हो सकता है एक्सयू एक्सयू लिमिट निकालने के लिए देते, तो वो तो आपको बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो यही सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अब हम लोग एक देखते हैं दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल जिसमें आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या एरिया ऑफ स्टील निकालने का हो। हम लोग लीवर आर्म निकाल चुके हैं, हम लोग अपना न्यूट्रल एक्सिस निकाल चुके हैं, तो हम लोग अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक होगा तो एक स्टील वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे कि एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट अगर नहीं गिवन हो तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो इससे आपका सिंगली रेनफोर्समेंट जितना भी आइटम्स होता था, आपका ये सेक्शन साइज होता था, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता था, आपका ये स्टील यहाँ पे जो गिवन रहता है ये स्टील एएसटी होता था, तो ये और एक आपका एक्सयू होता था आपका न्यूट्रल एक्सिस, यही सारा कंडीशंस होता है ना सिंगल रेनफोर्स्ड में। तो हम लोग सारे का एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे बहुत बियॉन्ड और कुछ नहीं आ जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से, यही आपको ही इतना ही लेवल पे रहेगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है तो आपका एक टॉपिक सिंगल रेनफोर्स सेक्शन जो है वो आपका समझिए कंप्लीट हो गया, अगर आपका इस पर कमांड अच्छे से हो जाता है तो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 300 mm by 500 mm इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ मोमेंट ऑफ 30 kN/m, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द बीम इफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M25 एंड स्टील इज Fe500, अज्यूम इफेक्टिव कवर इज 500 mm। इस वाले क्वेश्चन में आपको बीम में कितना स्टील है ये नहीं बता रहा है, आपको वही निकालने के लिए कह रहा है, आपको कह रहा है टोटल एएसटी निकालने के लिए, आपको कह रहा है एरिया फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, मतलब रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड किसको कहते हैं हम लोग, एएसटी को। आपको इसमें ये नहीं निकालना है कि 320 का बार देंगे या 325 का बार देंगे, बस आपको टोटल एएसटी निकाल देना है। उसको आप चाहें तो किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं। देखिए आरसीसी में तीन चीज होता है, एनालिसिस, डिजाइन और डिटेन। ये तीनों चीज क्या होता है ये क्लियरली समझ लीजिए। एनालिसिस होता है जो हम लोग अभी इसके लास्ट वाले क्लास में किए थे कि हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितने तरह के फोर्सेस आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस के अंदर में करते हैं। फिर इस एनालिसिस में जो फॉर्मूला और जो स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड आते हैं उसको यूज करते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइन का मतलब क्या होता है कि सारे क्राइटेरियाज निकालना, जैसे अगर ये बीम है आपको तो इसमें बीम का साइज निकालना, एरिया ऑफ स्टील निकालना, उसके बाद आपको नंबर ऑफ बार्स निकालना, ये सारा चीज आ जाता है आपको डिजाइन में।
और जब हम लोग डिटेल करते हैं तो डिटेल का मतलब होता है कि ये जो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं उसमें कितने डाया ऑफ बार्स और कितने नंबर ऑफ बार्स, मतलब आप इस नंबर ऑफ बार्स को यहां से हटा करके आप इसको इसमें डिटेल में पुट कर दीजिए। यहां आप निकालते हैं डाया, स्पेसिंग और नंबर ऑफ बार्स, मतलब आपको एएसटी निकल गया। इसका मतलब है कि आप किसी भी एक ड्राफ्टमैन को आप अगर दे देंगे कि आपका एरिया ऑफ स्टील इतना आया है, मतलब जैसे 1256.64 अभी हम लोगों का लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आया था, ये आपका एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड आ गया। अब आपको ये कोई भी एक सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके वो निकाल सकता है कि अगर वो 20 का बार यूज करना चाह रहा है, उसकी मर्जी है, तो वो उसका एरिया निकालेगा और उस एरिया जो आएगा उसको जब इससे डिवाइड करेगा, जैसे आपका एक 20 mm का आता है 314 point something आता है, तो जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 bars लगेंगे 20 के। फिर आपको अगर मन किया कि 20 नहीं लगा करके आप 25 लगाएंगे, तो आप 25 वाला का एरिया निकालेंगे, या आपको 491 point something के अप्रॉक्स आता है mm square, उसको जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ 3 आपको 25 mm का बार लगेगा। तो इस तरह से ये जो हम लोग निकालते हैं कि आपको कितना बार्स लगेगा, फिर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ये इस तरह से कितना स्पेसिंग इन दोनों के बीच में आएगा, ये सारी चीजें निकालते हैं, ये डिटेल में आता है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से एनालिसिस और डिजाइन आपके पार्ट में है। जब आप बीटेक में जाएंगे तो एनालिसिस डिजाइन तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको डिटेल भी रहेगा। फिर आपको डिटेल भी जानना होगा कि किस तरह से आप IS-456 को यूज करके, और एक आपका हैंडबुक होता है SP-16, उसको यूज करके आप किस तरह से आप अपना डिटेल करते हैं। तो डिटेलिंग अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड निकालने के लिए कह रहा है तो मतलब आपको एएसटी निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे, बीम का साइज आपको दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 300 mm, डी इज इक्वल टू 500 mm, डी सी आपको दिया हुआ है लास्ट में 50 mm, डी सी कवर है तो स्मॉल डी आपको हो जाएगा 500 - 50 इज इक्वल टू 450 mm, ये इतने कंडीशंस हो गए। FE 500 और FCK 25, ठीक है। अब आपको कहना है कि इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट ए मोमेंट ऑफ 30 kN/m, इसमें ये नहीं लिख रहा है किस तरह का मोमेंट, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कि किस तरह का मोमेंट है तो वो वर्किंग मोमेंट होगा। अगर अल्टीमेट मोमेंट होता इसमें 1.5 से मल्टीप्लाइड रहता तो इसमें अल्टीमेट हमेशा आपको लिखा हुआ रहेगा, जब भी अल्टीमेट नहीं लिखा हुआ है वो वर्किंग कंसिडर होगा, या तो वर्किंग लिखा रहेगा या तो नहीं लिखा रहेगा। तो इसमें अभी आपका ये वर्किंग 30 है, और कभी कभी क्वेश्चन में इसके बाद लिख देता है कि एज्यूम ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5, इसका मतलब है कि वो दे रहा है कि आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके 30 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। कई बार होता था क्वेश्चन में एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.4 देते आपको चेक करने के लिए, तो आप सर एक फ्लो में अगर आप 30 × 1.5 करते चले जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, जनरली 1.5 होता है। क्वेश्चन में अगर आपको ट्विस्ट देने के लिए 1.4 करेगा तो आप अल्टीमेट मोमेंट निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्किंग मोमेंट, यहाँ आपको दिया है वर्किंग मोमेंट, तो ये दिया हुआ है 30 kN/m, आपको क्या निकालना है अल्टीमेट मोमेंट। तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो अल्टीमेट मोमेंट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ 30 kN/m, ये आ जाएगा 45 kN/m, तो ये है आपका MU अल्टीमेट मोमेंट, ठीक है। अब आपको कह रहा है AST निकालने के लिए, अब आपको फॉर्मूलाज वही यूज करने हैं। अब आप देखिए इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाला है, यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट अभी और समझेंगे। अब आपके पास जैसे XU का फॉर्मूला था 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B। आप इससे हम लोग अभी डिस्कस किए लास्ट वाले करते हैं कि इससे आप एएसटी निकाल सकते हैं, बट आपको अभी XU भी नहीं पता है, और XU निकालने के लिए आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, XU लिमिट निकाल सकते हैं, तो XU लिमिट निकाल लेंगे आप K × D करके, FE 500 है तो 0.46 × D आपको पता है 450, तो इससे आप अपना XU लिमिट निकाल लेंगे, बट उससे होगा क्या, क्योंकि उससे तो आपका AST और XU दोनों तो आपका अननोन है, जब दो अननोन है तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया आपका पहला, अब हम लोग दूसरा वाले आते हैं जिसमें हम लोगों को पता था कि MU इज इक्वल टू 0.36 सॉरी ये वाला नहीं यूज करते हैं 0.87 FY AST × D − 0.42 XU, ये हम लोग निकाले थे मोमेंट का फॉर्मूला। तो इस वाले में भी आप देखेंगे तो आपको मोमेंट पता है 0.87 FY, और इसमें आपको D पता है, AST नहीं पता है, AST निकालना है, बट इसमें भी आपको XU आता है, तो
तो जब इसमें भी एक्स क्यू आ रहा है इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको जब एक एस टी का फॉर्मूला ये वाला कैंसिल हो गया, एस टी का फॉर्मूला ये वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि दो हर इक्वेशन में दो अननोन आ रहा है, तो आप किस तरह से निकालेंगे। तो अब आपको यहाँ पे आता है तीसरा फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग उसको सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आप देखिए कि इस वाले फॉर्मूला में अगर आप ये mu का फॉर्मूला को, यहाँ हम लोग ना एक डेरिवेशन बनाते हैं जो आप अपने कॉपी में साइड कहीं पे नोट कर लीजिएगा, हम अभी इसको बोर्ड पर बता दे रहे हैं, बाद में इसको मिटा करके इसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस डेरिवेशन को यहाँ समझ लीजिए कि आपको xu का फॉर्मूला पता है कि 0.87 fy ast और डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। अभी हम पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहे हैं कि ये कैसे निकलेगा जब हम लोग फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप अगर दोनों साइड को अगर आप D से डिवाइड कर दें तो ये दोनों साइड में आपको D आ गया, तो ये XU by D is equal to ये वाला आपको फॉर्मूला बन गया। अब आपको एक फॉर्मूला होता है MU का 0.36 FCK B XU और मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो XU by D के लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो अगर आप इसमें D को अगर आप बाहर ले आते हैं, और इसमें एक्चुअली एक प्रोसेस और है 0.36 FCK और ये आपका B, और इसको अगर आप D से डिवाइड कर देते हैं, हाँ इसको अगर आप इस तरफ भी अगर आप D से डिवाइड कर देंगे तो ये MU by D is equal to 0.36 FCK B divided by XU by D, यहाँ पे मतलब इस टोटल को अगर आप डिवाइडेड बाई D कर देंगे तो इसमें भी आपको ये XU by D आ जाएगा। तो इस XU by D के जगह पे जब आप ये वाला पुट करेंगे तो ये पूरा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल करके एक फॉर्मूला आएगा जिसको हम आपको सिंप्लीफाइड वर्जन आपको यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपको हमेशा याद रखना है। ये आएगा आपको AST by BD के रूप में, ठीक है। AST by BD is equal to 50 into 1 minus under root 1 minus 4.6 by FCK into MU by BD square, ये whole divided by FY by FCK, 50 into 1 minus under root 1 minus 4.6 by FCK into MU by BD square, ये पूरा आपको numerator में है और ये डिनोमिनेटर में आपको एफ वाई बाई एफ सी के है, जिसको आप जब चेंज करेंगे तो एफ सी के ये ऊपर ही आ जाएगा, बट आपको याद रखने के लिए ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसमें आपको ए एस टी निकालना है, बी और डी आपको पता है, एफ सी के आपको पता है, एम यू भी आप निकाल चुके हैं, बी डी स्क्वायर भी आपको पता है, एफ वाई और एफ सी के भी आपको पता है। अब इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको, क्योंकि एक्स यू नहीं मिल पा रहा था और एक्स यू के लिए भी आपको ए एस टी ही रिक्वायर्ड हो रहा था, तो आप ये दोनों फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे थे। तो आप अगर देखें तो आपके पास AST के लिए अब आपके पास तीन फॉर्मूला हो गया, ये है फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला नंबर टू है आपको, जब आप इससे AST निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 FCK B XU divided by 0.87 FY। एक तो आप इससे निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला को रिप्लेस करके, और एक आप इससे भी निकाल सकते हैं, AST is equal to MU divided by 0.87 FY D minus 0.42 XU। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग, ये दो नंबर और ये तीन नंबर, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब एक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक डेरिवेशन से निकलेगा, जो डेरिवेशन आपको नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में है नहीं पार्ट में। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि AST by BD is equal to 50 into 1 minus under root 1 minus 4.6 by FCK into MU by BD square divided by FY by FCK। ये याद करने में टाइम लगेगा, बट आपको ये याद कर लेना होगा, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका AST नहीं निकलेगा तो आपका फिर XU नहीं निकलेगा, क्योंकि AST ही इसमें नहीं गिवन है। तो ये एक लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला सिर्फ पता नहीं था लास्ट क्लास तक में, इसलिए आपको ये हाई लेवल का लग रहा होगा। आप सिर्फ इस फॉर्मूला को अगर याद कर लें तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अब तक दो क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, और ये फॉर्मूला को हम आप अगर नोट डाउन कर लिए हैं, अब हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज कर रहे हैं। MU हम लोगों का निकल चुका है, ठीक है। अब यहां से हम लोग AST by BD का फॉर्मूला यहां लगाते हैं, AST by BD is equal to 50 into numerator में 1 minus under root 1 minus 4.6 by FCK into MU
बाई बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ वाई बाई एफ सी के। ठीक है, अब इसमें हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 50 इंटू ये ए एस टी बाई बी डी है आपका 300 और डी आपका स्मॉल वाला यूज हुआ है तो स्मॉल डी आपका 450। ठीक है, ये इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बाई एफ सी के 25 है इंटू एम यू अब आपका आ चुका है 45 किलो न्यूटन मीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन एमएम में। हम लोगों को सारा एक ही यूनिट में रखना है तभी ये आंसर करेक्ट आएगा। तो ये आपका हो गया 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। तो बी है 300 और इफेक्टिव डेप्थ है 450 का स्क्वायर। ये डिवाइडेड बाई एफ वाई है आपका 500 डिवाइडेड बाई एफ सी के आपका 25। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें से निकल करके आ जाएगा ए एस टी। ये इसको हम लोग यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं 45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन एमएम। अब हम लोगों का ए एस टी आ रहा है, तो ए एस टी आ रहा है 238.42 एमएम स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। आप निकाल चुके हैं यहाँ पे ए एस टी। अब आपको सिर्फ एक क्रॉस चेक कर लेना है कि क्योंकि अभी तक आप एक्सयू नहीं निकाले, एक्सयू लिमिट नहीं निकाले, तो आपको ये नहीं पता कि अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। तो आपका ये जो एएसटी प्रोवाइड हुआ है ये एएसटी लिमिट से कम है या एएसटी लिमिट से ज्यादा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सयू चेक करेंगे और एक्सयू लिमिट चेक करेंगे। तो एक्सयू चेक करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे 0.87 एफवाई इनटू एएसटी, आपको पता है 238.42 डिवाइडेड बाई 0.36 एफसी के है आपका 25 और बी है आपका 300। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सयू आ जाएगा और एक्सयू लिमिट के लिए क्योंकि एफ ई 500 है तो 0.46 इंटू इफेक्टिव डेप्थ आपका 450 है तो इससे आपका एक्सयू लिमिट आ जाएगा। तो एक्सयू आ जाएगा आपका 38.18 एमएम और एक्सयू लिमिट आ जाएगा आपका 207 के अप्रॉक्स 207 एमएम। तो देयरफॉर एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट। तो जब एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट है तो देयरफॉर एएसटी भी जो है वो आपका लेस देन एएसटी लिमिट होगा क्योंकि सब कुछ एक्सयू से ही शुरू होता है। एक्सयू लेस देन है तो एएसटी भी लेस देन एएसटी लिमिट हो जाएगा। तो आपको एएसटी लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यही जो एएसटी है ये आपका फाइनल है। अगर आपका एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट आता तो आप एक्सयू लिमिट को आप यूज करते हुए आप जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो निकालते तो उससे आपका एएसटी लिमिट वाला जो फॉर्मूला होता है जो एमयू में आपका फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई एएसटी लिमिट इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट। आप ये एक्सयू लिमिट को अभी आपका आपका ये इंक्रीज आता है कि एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट है तो आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला पुट करते और इससे आप निकालते एएसटी लिमिट। फिर उस एएसटी लिमिट से आप चेक कर लेते कि ये जो एएसटी है वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। अगर ये एएसटी ज्यादा आता है उस एएसटी लिमिट से, इसका मतलब है कि ये जो गिवन कंडीशंस है इसमें आपका ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है वो लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है। मतलब आपको या तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील ग्रेड ऑफ कंक्रीट में से कोई एक चीज चेंज करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, या तो आपको कॉलम के साइजेस जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ये अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इस पे अभी इसके आगे नहीं जाते हैं कि इसके आगे आपका क्या होगा क्योंकि ये आपका जब आप डिजाइन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट आ रहा है, देयरफॉर एएसटी इज लेस देन एएसटी लिमिट, इसलिए ये जो एएसटी है ये आपका फाइनल है। ये है आपका इस तरह का एक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये फॉर्मूला आपको जितना बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना आसान लगेगा क्योंकि हम लोग बहुत साल से इस फॉर्मूले को यूज करते आ रहे हैं। हम लोग जब भी कभी डिजाइन का क्वेश्चन करते हैं तो एएसटी के लिए हम लोग ये वाला ही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना एक्सयू निकालना है पहले, ना आपको एमयू से कहीं से किसी से चेक करना है। ये फॉर्मूला याद है, इसमें गिवन कंडीशन से बी डी एफ सी के एफ वाई यूज हो रहा है, आसान हो जाता है एएसटी निकालना प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। लेकिन अगर आप जब न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में स्टील मिसिंग आता है तो समझ जाइएगा कि जब भी स्टील निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, वो दोनों फॉर्मूला से चेक ही नहीं करना है क्योंकि उसमें दो अननोन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें आपका स्टील मिसिंग था। तो हम लोग तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल कर चुके हैं जिसमें हम लोग एक्सयू निकालना देख चुके हैं कि एक्सयू कैसे निकालते हैं, लीवर आर्म जेड निकाल चुके हैं और आपका एएसटी निकाल चुके हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला जो न्यूमेरिकल है वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है कि आपको दो फॉर्मूला है जो आप अब तक कर ही रहे हैं यूज, उसको 0.36 एफसी के बी एक्सयू और ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू।
यानी एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी कर लेते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना देख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स का सारा टाइकोनोमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको लीवर आर्म निकालने बोल रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहा है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, लीवर आर्म जेड का फॉर्मूला आपको पता है डी माइनस 0.42 एक्सयू, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है कि आपको अगर एक्सयू लेस देन एक्चुअल लिमिट आएगा तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 0.36 एफ सी के बी एक्सयू ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू वाला भी, या फिर आप 0.87 एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू, ये दोनों कब यूज कर सकते हैं जब आपका एक्सयू जो है वो लेस देन या इक्वल टू एक्सयू लिमिट आएगा। ठीक है, जब एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट आएगा तो फिर आप एक्सयू लिमिट वाला वैल्यू ही यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिर्फ आप 0.36 एफसी के यूज करेंगे। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्लास के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, लीवर आर्म और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या क्या कंडीशन गिवन है। आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन शो किया हुआ है, आपको इस डायग्राम से अब क्या करना है कि गिवन कंडीशंस निकालने हैं। तो गिवन कंडीशंस आपको क्या क्या है, गिवन आपको एफ ई है 250 और एफ सी के है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर का। ठीक है, और आपको डायग्राम में गिवन है स्मॉल बी इज इक्वल टू 275 एम एम, कैपिटल डी इज इक्वल टू 425 एम एम। इसके साथ आपको दिखा रहा है कि ये 35 mm का इफेक्टिव कवर है, लेकिन लिखा नहीं है, आपको सिर्फ रिइंफोर्समेंट डाया के सेंटर से आपको दिखा रहा है कि 35 है। तो इसका मतलब आपका DC जो है ये 35 mm है, तो स्मॉल d जो हो जाएगा ये 425 माइनस 35 इक्वल टू 390 mm हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूरा फॉर्मूला के साथ कैपिटल D माइनस DC इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो D इक्वल टू 390 mm आ गया। अब आपको AST भी गिवन है कि ये आपका 4 है 16 mm का, तो इसको आप जब निकालेंगे तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 804.3 या 6 आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 804 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब आपका ये AST भी आपको पता है, डी बी सब कुछ आपको पता चल गया। आपको क्या निकालना है, जेड लीवर आर्म जिसका फॉर्मूला है डी माइनस 0.42 एक्सयू, इसका मतलब है आपको एक्सयू निकालना है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूमिंग एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट, फिर हम लोग ये एजम्पशन से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 0.87, एफ वाई का वैल्यू है 250, AST का वैल्यू है 804.3 या जो भी है डिवाइडेड बाई 0.36, एफ सी के का वैल्यू है 20 और B का वैल्यू है 275। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा XU, फिर आप निकालेंगे XU लिमिट। अब XU लिमिट के लिए क्योंकि आपको FE 250 है तो इसका फॉर्मूला जो K इंटू डी होता था इसमें ये हो जाएगा 0.53 इंटू डी 390, तो इससे आपको XU लिमिट पता चल जाएगा। तो अब आपका XU आ जाएगा 87.86 mm और XU लिमिट आ जाएगा 207.09 mm, तो देयरफॉर XU is less than XU limit, तो जो आपका assumption था वो आपका correct है, तो therefore assumption is correct, तो जब assumption correct है, XU is less than XU limit है, तो अब lever arm के लिए आप ये formula use करेंगे D minus 0.42 XU, नहीं अगर assumption correct होता तो आप XU limit use करते। तो अब आप जब ये निकालेंगे तो D minus 0.42 into XU है आपका 87.86, D है आपका 390 माइनस ये, तो ये आपको आ जाएगा 353.45 mm। अब आपका एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि आपका लीवर आर्म आपका निकल गया। अब आपको दूसरा पार्ट कह रहा था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब क्योंकि आपको क्लियर हो गया है कि XU लेस देन XU लिमिट है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। चाहे तो आप कंप्रेशन साइड का यूज कर लीजिए या फिर आप टेंशन साइड का यूज कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंप्रेशन साइड का जैसे टेंशन साइड का यूज कर लेते हैं, ये इजी है। 0.87 इंटू एफ वाई है आपका 250 और ए एस टी है आपका 804.3 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस 0.42 एक्सयू, तो डी माइनस 0.42 एक्सयू तो हम लोग निकाले नहीं है 353.45, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख देंगे 353.45। जिसको अभी ये कंफ्यूज हो रहे होंगे तो वो ये फॉर्मूला है 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू, तो डी माइनस 0.42 एक्सयू आप यहाँ निकाल चुके हैं, पूरे को यहाँ पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 0.87
एफ वाई ए एच टी जेड, यही बनने वाला है। तो आपको इसमें जेड पता है, ए एच टी पता है, एफ वाई पता है, इसमें पुट करेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 61.83 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आएगा एक्चुअली आपको न्यूटन एमएम में, तो उसको हम लोग शॉर्ट में चेंज करके 61.83 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आपका ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया है, तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि आप सेक्शन जो है आपका, जैसे अंडर रेनफोर्स्ड है, तो आपका एमयू लिमिट कितना आ रहा है, क्योंकि एमयू लिमिट पता रहेगा तो आपको मैक्सिमम लिमिट पता रहेगा, तो आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि ये जो आ रहा है ये सेक्शन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो एमयू लिमिट कैसे निकालते थे, सेम फॉर्मूला ही यूज होगा 0.87 FY, इसमें बस AST के जगह पे, या AST आप यूज करेंगे नॉर्मल, और इसमें Z के जगह पे 0.42 XU नहीं लेकर के हम लोग 0.4D माइनस 0.42 XU लिमिट वाला वैल्यू यूज करेंगे, या इसको यहाँ क्लियरली लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि जब हम लोगों का ये निकल गया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU लिमिट, यही होता था। अब आपको D माइनस 0.42 XU लिमिट नहीं पता था, आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वैल्यू 0.87 FY 250 into AST 804.3 ब्रैकेट में D है आपको 390 माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिट हम लोग निकाल चुके थे, जो कि आ रहा था 207.09। तो इसको जब आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपको एमयू लिमिट पता चल जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं एमयू लिमिट। तो एमयू लिमिट आ जाएगा 123.81 किलो न्यूटन मीटर। तो अब एमयू लिमिट आ रहा है आपका 123.81, तो एमयू इज लेस देन एमयू लिमिट, तो इसका मतलब देयरफॉर MU is equal to 61.83 जो है, यही आपका फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर लिखने से पहले, क्योंकि ये यहाँ आप सिर्फ वैल्यू निकाले हैं, लेकिन ये डिक्लेयर करने से पहले कि ये फाइनल ही है, इसके लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा इसके मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हम लोग XU निकालते हैं तो ये डायरेक्टली नहीं लिख देते हैं कि अंडर इन्फोर्स है, हम लोग उसको XU लिमिट से चेक करते हैं, जब चेक कर लेते हैं वेरीफाई हो जाता है तो फिर हम लोग यही वाला वैल्यू जो आंसर है ये हम लोग लिख देते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ भी जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला यही वाला यूज कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ XU का वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ हम लोग XU लिमिट का वैल्यू ले रहे हैं। अगर XU वाला यूज करके जो मोमेंट आया है ये XU लिमिट वाले मोमेंट से जब कम आ रहा है, इसका मतलब है कि यही आपका मोमेंट है और सिंगली रेनफोर्स है, ये तो यहाँ से ही साबित हो गया था कि XU इज लेस देन XU लिमिट था, तो ऑब्वियस था कि MU जो है वो भी लेस देन MU लिमिट ही आएगा। बट ये ऑब्वियस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, ये अंडरस्टूड नहीं हो जाएगा, फिर आपको सारा एग्जाम में सब ऑब्वियस से होते चला जाएगा, तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं करना पड़ेगा, ये निकल गया देयरफॉर आगे का सब चीज ऑब्वियस है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चार टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लिए, इसमें आपको सारा चीज कवर हो गया, ये रेनफोर्समेंट निकालना भी हम लोग सीख लिए, इसमें हम लोग आपका ये इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर क्या होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल भी देख लिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आता है वो भी हम लोग निकाल लिए, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन भी निकाल लिए, और आपका लीवर आर्म जेड भी निकाल लिए। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में सिर्फ इतनी ही चीजें होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चार न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये चारों न्यूमेरिकल जो है ये इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप एक तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर के उसमें आप मैसेंजर में मुझसे चैट कर सकते हैं, वहां पे आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप क्वेरी वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।